ऑफ एन यू वॉचिंग ली व्लॉग्स। और आज हम बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ही व्लॉग बना रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं दरभंगा के तारामंडल और वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ अभी कितना ज़्यादा काम हो चुका है और कितना टाइम और लगेगा उसके ओपनिंग में, एंड उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और उसके साथ ही वो पता करेंगे। सो अभी चलते हैं फिलहाल। तो मिर्ज़ापुर का जो एरिया चल रहा है अभी, और अभी इससे से हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, रास्ता मैं बता दूँ थोड़ा आपको तारामंडल का। तो अभी हम लोग हैं मिर्ज़ापुर में और मिर्ज़ापुर से हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे कैदराबाद, और कैदराबाद में जो आईटी कॉलेज है तो वही उसी कैंपस में वो तारामंडल बन रहा है और ऑलमोस्ट 73 करोड़ के लागत से वो बन रहा है। शहर है वो दरभंगा, वो काफ़ी डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई शोरूम्स खुल रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें डे बाई डे यहाँ पे ओपन हो रही हैं। और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो जो एयरपोर्ट वाला जो एरिया है, ख़ासकर वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा भी शहर जो है वो अब डेवलप कर रहा है। और आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती थी, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं उन सारे दिनों को जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रोटी शोटी आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में राज मैदान के पास, और आप देख सकते हो जो दरभंगा राज मैदान की जो किला है ये वो यहीं पे है, दरभंगा राज का किला। अभी हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं और सीधा स्ट्रेट निकलेंगे, बिल्कुल ही सीधा पहुँच जाएंगे हम वहाँ कैदराबाद पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दरभंगा के तारामंडल, और दरभंगा प्लैटिनियम जो है वो शहर के कैदराबाद इलाके में दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर वाले कैंपस में बना है, और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको बनाया जा रहा है। और इसका जो बजट है वो 173 करोड़ रुपीज़ है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि ये बिहार का दूसरा बड़ा तारामंडल बनने जा रहा है, और यहाँ तारामंडल के साथ साथ साइंस म्यूज़ियम भी होगा और भी कुछ चीज़ें इसमें बनेंगी। सो अभी मैं आपको इसे बैक कैमरे से दिखाऊँगा कि यहाँ कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जानने की कोशिश भी करेंगे कि कब तक ये बन के तैयार होने वाला है। वैसे तो डेडलाइंस की 2021 में दिसंबर के लास्ट है, और उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ जो बनाया जा रहा है जो तारामंडल वो 300 सीट्स का बनाया जा रहा है, कि 300 लोग इसमें ईजिली बैठ जाएंगे। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप सब लोग आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा दिनों के बाद इंट्रैक्शन करने का मौका मिल रहा है। सो एक्चुअली कोविड का टाइम था, ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहा था, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। सही भी है, घर पे रहें, आप लोग सेफ रहें और जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट की थ्रू उसे फॉलो करें। अभी मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई है नहीं, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं मास्क यूज़ नहीं करता हूँ, बट थोड़ी देर बाद पहन लूँगा ज़रूर जब भी मैं भीड़ में जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने मास्क हटाया। वैसे भी ज़्यादा देर मास्क पहनना बेट्स आई थिंक हार्मफुल, तो आप लोग पहनो और घर पे रहो, ज़्यादा सेफ़ रहो। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इस तारामंडल के बारे में कि ये जो इसका तारामंडल है, इसका जो डिज़ाइन है वो US बेस्ड कंपनी है जो कि अभी इंडिया में, तो उसने डिज़ाइन किया है ये, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। मैंने देखा है तो काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, बाकी अभी आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए, तो मेरे सामने ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये पूरी फ्रंट है इसका, ये इसका पूरा सामने वाला हिस्सा है, और ये काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है, काफ़ी बड़ा ये डिज़ाइन है। और आप मेरे सामने देख सकते हो वो मायरा वेव ब्लॉग आ रही हैं, और इसके बाद इसका जो कैंपस है ये भी काफ़ी बड़ा है, इधर काफ़ी एक्सपेंडेड एरिया में ये फैला हुआ है। और इसके पीछे इस जो कैंपस में है, तो इस कैंपस में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, मार्केट्स, रेस्टोरेंट एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी खुलने वाली हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और अपना शहर जब डेवलप करता है तो काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। मैं चलता हूँ ऊपर, इसकी जो भी काम चल रही है वो आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली ये रास्ता है अंदर का, और काम काफ़ी जल्दी इसको फिनिश करा जा रहा है, क्योंकि डेडलाइन जो है इसकी वो इस साल के लास्ट तक की है, और इस साल के लास्ट तक ये बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं घड़ी में 8:30। मौसम काफ़ी सुहावना है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही है यहाँ पे। अब देख रहे हो गए यहाँ पे मेरे साथ, जितने भी लोग हैं आई डोंट नो कि सेफ्टी का कितना प्रिकॉशन ले रखा है इन्होंने, बट यहाँ पे काम बहुत ही जल्दी जल्दी पूरा किया जा रहा है। इस वेपर लाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो काम है वो रात के टाइम भी चलता है, तो मतलब दिन और रात दोनों टाइम यहाँ पे काम चल रहा है ताकि इसे अपने तय समय पे इसे पूरा कर लिया जाए। और ये हमारे साथ अल्ताफ भाई, हाय। ये शिवम ब्रो, हेलो। सो बेसिकली बारिश होने लगी है और बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंद वो है पड़ने लगी है जो कि, और आप देख सकते हो मौसम काफ़ी कूल है। पीछे का वेदर दिखा देता हूँ आपको, और इस तरफ बन रहा है हमारे तारामंडल, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ जाके डिटेल्स में आपको बताते हैं कि कब तक की डेडलाइन है, कब तक ये बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें पता करते हैं। अभी बेसिकली ऊपर जाने का ये रास्ता है और आई डोंट नो ऊपर क्या है, बट अभी चलते हैं आपको पता चलेगा। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी और ऊपर चलते हैं वहाँ दिखाते हैं। और मास्क मैंने लगा लिया बिकॉज अभी मुझे वहाँ पर जाना है, तो मास्क का प्रयोग भाई आप लोग ज़रूर करें, कोई भी खतरा ना ले। जो मैंने इंट्रो वहाँ पे बनाया था उस टाइम मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था, वहाँ पे कोई था नहीं तो मैंने मास्क थोड़ी देर, अभी ये देख सकते हो ये जा रहा है रास्ता पूरा ऊपर की तरफ। ये देख रहे हो आप यहाँ पे काम जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है इसे। तो देख रहे हो ये बेसिकली जो गोल वाला हिस्सा है ये यही तारामंडल का मुख्य हिस्सा है। तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा काम जो है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी किया जा रहा है कंप्लीट, और यहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं लेबर। तो हमारे साथ अभी एक भाई हैं और ये बताएंगे हमें कि यहाँ जो काम चल रहा है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, क्या लगता है भैया बताइए। यही 30 तारीख तक हो जाना चाहिए। 31 तारीख तक हो जाना चाहिए, तो इस 30 तारीख तक डेडलाइन है इसकी। ये जो पूरा आप देख सकते हो ये जो पूरा ढलाई करने का जो तय सीमा है वो 30 तारीख तक है। आई होप कि वो हो जाए। और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमारे साथ है मायरा वेब ब्लॉग की क्रिएटर्स, और हाई बोल दी हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स फैमिली। तो गाइज आप इनके चैनल को भी जाओ और विजिट करो और ढेर सारा प्यार दो, सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक शेयर, क्योंकि सपोर्ट जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम लोग कितना भी मेहनत कर ले बट आगे आप लोग के सपोर्ट से ही बढ़ने वाला है। बिल्कुल, लव यू गाइस, स्टे होम स्टे सेफ। तो हमारे साथ और भी कुछ क्रिएटर्स हैं अल्ताफ, तो ये हमारे क्रिएटर्स भाई हैं, इनका भी खुद का चैनल है, आप लोग इनके चैनल को भी जाके ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। ये बहुत अच्छी सिनेमेटिक व्यूज निकालते हैं, तो इनका चैनल का नाम बता देना, योर बिहारी गाइज। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो आपका नाम तो बोल दिया तो ठीक है। और हमारे साथ शिवम भाई भी, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाए, इन्हें भी साथ ले लेते हैं। तो हमारा चैनल नहीं है कुछ भी, कोई चैनल नहीं है, लेकिन ये अभी बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं और ऐसे तो सपोर्टिव है मेरा भाई, सपोर्टिव है, तो ऐसे हर भाई को सपोर्टिव होना चाहिए और सपोर्ट करते रहना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं।